अब वही कंडीशनर है गाइस, देखिए यह इसका करने का तरीका, हम लोग जरूरी नहीं है कि पार्लर में करना है बोल के। तो मेरा ये है हेयर रिफेयरिंग के लिए लिया, क्योंकि मैंने मेरी हेयर पूरा डैमेज हो चुकी है। तो गाइस फर्स्ट आप सबसे पहले जो भी शैम्पू यूज करते हैं वो शैम्पू अप्लाई करने का हेयर स्पा अप्लाई कर देना है, तो स्मूथिंग होगा, स्लिक होगा, तो वही बेनिफिट हेयर डैमेज वो रुकेगा। फिर ये है मेरा शैम्पू, शैम्पू यूज करती हूँ कंडीशनर एंड शैम्पू। अभी कंडीशनर अप्लाई नहीं करूँगी मैं, ओनली फॉर शैम्पू, शैम्पू से हेयर वॉश कर लेते हैं। तो मेरा ये हेयर शैम्पू, उसके बाद में मैं हेयर स्पा मतलब पार्लर में करने देने से वही बेनिफिट है, क्योंकि आप रिलैक्स से बैठ सकते हो तो उसके लिए बेनिफिट है। मतलब अभी इसमें तुम्हें खुद अप्लाई करना पड़ो, तो ये गाइस मैंने अच्छा से शैम्पू से वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद अप्लाई कर लिया शैम्पू, तो अभी वॉश करूंगी। वॉश करने के बाद में अपन हेयर स्पा अप्लाई करते हैं। बाद में मेरे हेयर आते हैं।